उतने घटिया क्वार्टर रेलवे के हैं, उतने घटिया क्वार्टर किसी भी डिपार्टमेंट के नहीं हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ASO की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है रेलवे में, कैसे उसकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम करना पड़ता है, वर्कलोड कितना होता है, जॉब लोकेशन क्या होती है, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके का अकोमोडेशन मिलता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ ही फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूबर ने जो कुछ चीज़ों को हाइप कर रखा है, लाइक होलीडे हाउस बहुत सस्ते मिलते हैं, कहीं भी जाने के लिए आप रेलवे में घूम सकते हैं, उसके अलावा फ्रेंड्स बोनस, एक हैंडसम बोनस मिलता है आपको इस डिपार्टमेंट में, तो इन सब चीज़ों के तह तक जाके हम देखेंगे कि ये जो स्कीम है, ये जो चीज़ें हैं जो यूट्यूबर बता रहे हैं, कितनी सही हैं और कितनी गलत है। तो फ्रेंड्स, आपको बस करना इतना है कि वीडियो के साथ में बने रहिए, और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, आपको पता है कि ASO की जो जॉब है SSC CGL से लगती है, और फ्रेंड्स जो रेलवे ASO की पोस्टिंग जाती है बहुत ज़्यादा जाती है, मतलब काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है। और वो क्यों है? क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अब ये मत समझिए कि इसकी जो कट ऑफ है वो इसलिए ज़्यादा जाती है कि ये जॉब बहुत अच्छी है, ऑफकोर्स ये जॉब बहुत अच्छी है, बट इसका दूसरा जो प्रोस्पेक्ट है ना फ्रेंड्स, कि हमें जो जॉब करने को मिलती है दिल्ली, और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रेफर्ड सिटी है दिल्ली में, क्योंकि आसपास के लोग हैं वो हमेशा दिल्ली में रहने चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इसका प्लस पॉइंट है वो रेलवे है, कि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंडिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं, और इस वजह से इसकी मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं सिलेक्शन के बाद की। तो जब आपका SSC में सिलेक्शन हो जाता है, आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी ASO इन रेलवे, और आपको ASO इन रेलवे अलॉट हो जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या करता है, आपका फाइनल सिलेक्शन विलेक्शन होने के बाद में SSC आपका जो डोजियर है, यानी कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल सब जो आपने DV में दिए थे, सारी चीज उठाकर वो भेज देती है आपके रेलवे डिपार्टमेंट, यानी कि रेलवे हेडक्वार्टर को, वहां पे जाता है वो आपका मेडिकल करवाता है फ्रेंड्स। और रेलवे का जो मेडिकल होता है रेलवे हॉस्पिटल्स में होता है, बट मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जैसे क्लर्क का मेडिकल होता है, क्योंकि आप भी एक तरीके के क्लरिकल स्टाफ में ही आते हैं, तो आपका जो मेडिकल होता है वो काफी नॉर्मल होता है, कुछ ज्यादा चीजें देखी नहीं जाती हैं। मेडिकल वेडिकल कंप्लीट होने के बाद में फ्रेंड्स, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आपको ज्वाइनिंग भी दे सकता है, उसके बाद में वो पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकता है। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जनरली आपको पहले ज्वाइनिंग दे देता है, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है, बट अगर डिपार्टमेंट चाहे तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा और उसके बाद में आपको ऑफर लेटर सेंड करेगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसे भी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको ऑफर लेटर हाथ में मिल जाता है, और उसमें जो दिया गया टाइम है उस टाइम फ्रेम में जाके आपको रिपोर्ट करना होता है आपके ड्यूटी के लिए, और जॉब प्रोफाइल का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो शुरू होता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की, कि अगर आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है और कहां पे आप जॉब करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलेक्टेड होते हैं ASO इन रेलवे, तो मैक्सिमम चांसेज है कि जो आपको स्टार्टिंग में जॉब लोकेशन मिलेगी जहां पे आपको ड्यूटी करनी होगी वो होगी फ्रेंड्स रेल भवन। रेल भवन की लोकेशन सेना भवन के पास में है, तो वहां पे जाके आपको जॉब करना होगा, वहां पे जाके आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको सेक्शन अलॉट होगा, उसके बाद में आपकी ड्यूटी स्टार्ट होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि जो रेलवे के रीजनल हेडक्वार्टर्स है, जो जोनल हेडक्वार्टर्स है, वहां पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इन रेयर केस ऐसा होता है, जनरली जो पोस्टिंग होती है आपकी रेल भवन में ही होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो रेलवे का इंट्रोडक्शन मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इंडिया का हर आदमी रेल में कभी ना कभी बैठा है, और पूरा जो फंक्शन है उसको चलाने का काम करता है आपका रेलवे हेडक्वार्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ASO की जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि अगर जब आपको पोस्टिंग मिल गई, आपको सेक्शन अलॉट हो गया, तो आपकी जॉब प्रोफाइल कैसे रहने वाली है, क्या आपको काम करना होगा और किस तरीके का काम होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जो पोस्टिंग मिलेगी रेल भवन में मिलेगी, और रेल भवन का जो पूरा काम है, क्योंकि वो एक हेडक्वार्टर है, तो उसका पूरा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो पूरा काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, फाइलिंग का होगा, जो पॉलिसीज वगैरह जो बनाई जाती है वो रेल भवन बनाता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका ट्रांसफर करना, उनकी पोस्टिंग देखना, पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, तो वो सारी चीजें डील होती हैं रेल भवन से। तो आपको डिपेंड करता है आपको कौन सा सेक्शन मिला है रेल भवन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क दिया जाएगा, और वो टास्क आपको परफॉर्म करना होगा
आपकी ऑफिस में। तो ये तो रही फ्रेंड्स टाइप ऑफ वर्क की। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको कोई भी सेक्शन दिया जाएगा तो आपके अंडर में बेसिक क्लरिकल स्टाफ होगा, वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो क्लर्क हो सकते हैं, हेड क्लर्क हो सकते हैं। तो वो स्टाफ होगा, उनके ऊपर आप एज ए सुपरवाइजर काम करोगे और जो आपके सेक्शन है उसका इंचार्ज होता है सेक्शन ऑफिसर। बट इन रेयर केस या फिर कभी कभी जब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होती है तो ऐसा हो सकता है कि एक सेक्शन ऑफिसर को दो या दो से अधिक सेक्शन अलॉट कर दिए जाते हैं। उस कंडीशन में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, आप इंचार्ज हो जाते हैं उस सेक्शन के। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात करूं अगर आपकी अथॉरिटी की कि आपकी साइनिंग अथॉरिटी कितनी होगी, तो फ्रेंड्स कोई भी रिपोर्ट होती है, कोई भी ड्राफ्टिंग या नोटिंग, कोई फाइलिंग होती है स्टार्टिंग में, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में हो, चाहे वो पॉलिसी चेंज कर रहे हो आपके डिपार्टमेंट में, कोई भी चीज का इनिशिएशन होता है तो वो होता है फ्रेंड्स एएसओ के लेवल से। मतलब स्टार्टिंग में फाइलिंग वगैरह करने को आपको दिया जाएगा, फिर आप उसे पुटअप करोगे आपके सेक्शन ऑफिसर को और वो फिर फाइल आगे जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ये बोल सकते हो कि जो पॉलिसीज है और जो सारी चीज है डिपार्टमेंट मैन कड़ी हो जहां से कोई भी वर्क स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स आपको डिपार्टमेंट में इसी तरीके का काम करना होगा, आपको नोटिंग करनी होगी, ड्राफ्टिंग करनी होगी और बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार करनी होगी, बहुत सारा डाटा और फाइल्स से रिलेटेड आपको काम करना होगा। जॉब टाइप की अगर मैं बात करूं तो टोटल डेस्क वर्क है, आपको कहीं भी बाहर जाके काम नहीं करना होगा। ऑफिस टाइमिंग फ्रेंड्स 9:30 से 6 का रहेगा, 5 डे का ऑफिस रहेगा, यानी कि सैटरडे और संडे आपको ऑफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एक ऐसी जॉब चाहते हैं जहां पे आप ऑफिस से बाहर ऑफिस की टेंशन नहीं लाना चाहते, जो ऑफिस का काम है वो खत्म करके उसकी टेंशन वहीं पे छोड़ के बाकी टाइम आपकी फैमिली को देना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट जॉब रह सकती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड की, कितना वर्कलोड होता है इस डिपार्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी डिपार्टमेंट में जो वर्कलोड है वो डिपेंड करता है आपके सेक्शन और पर्टिकुलर आपके टास्क के ऊपर कि आपको कौन सा टास्क अलॉट किया गया है, वो टास्क किस तरीके का है, उस टास्क को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम देना पड़ता है। बट फ्रेंड्स आप ये मान के चलिए जैसे कि आप किसी भी सेक्शन में हैं, आपके नीचे 5 या 6 क्लर्क लगे हुए हैं, वो आपको बार बार आके रिपोर्ट करेंगे, मतलब कोई भी काम होगा तो उनको उनके काम में आपको असिस्ट करना होगा। तो वर्कलोड आपका उस तरीके का नहीं होगा कि आपको पूरे दिन लग के रहना है, बट आपको पूरे दिन आपके जो सबोर्डिनेट हैं उनके साथ मिलकर काम करना होगा। तो वर्कलोड है वो मॉडरेट रहता है, कहीं कहीं पे थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर फ्रेंड्स आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करके चीजों को आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बजट सेक्शन में हैं तो बजट डेज में आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड मिलेगा, आपको रात में भी लेट तक बैठना पड़ सकता है और साथ में आपको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स डरने वाली कोई चीज नहीं है, एक लीव होती है उसका नाम है कंपेंसेटरी लीव। मतलब अगर आपसे कभी भी डिपार्टमेंट सैटरडे संडे या फिर हॉलीडेज को काम करवाता है तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी जाती है, इसलिए डरने की कोई भी बात नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन एस्पेक्ट के बारे में कि इस डिपार्टमेंट में हमने वर्क प्रोफाइल वगैरह सब कुछ देख लिया, बट हमारे कैरियर ग्रोथ का क्या। तो फ्रेंड्स आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं एज एएसओ तो आपकी स्टार्टिंग ग्रेड पे रहती है 4600-44,900 बेसिक पे के साथ में, और फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स 8 से 9 साल में प्रमोट कर दिया जाता है एज ए सेक्शन ऑफिसर जो कि एक ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर सेक्शन का इंचार्ज बन जाते हो और जैसे कि मैंने बताया था कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपके अंडर में 2 या फिर 3 सेक्शन भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स सेक्शन ऑफिसर के बाद में एक सीनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है जो कि ग्रेड पे 5400 पे होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे। अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट के बाद में फ्रेंड्स जो आपको अगला प्रमोशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा डिप्यूटी डायरेक्टर का, डिप्यूटी सेक्रेटरी या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर हम उसे बोलते हैं। और डिप्यूटी सेक्रेटरी के बाद में फ्रेंड्स आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा फ्रेंड्स सेक्रेटरी का। प्रमोशन आपकी लाइफ में कहां तक प्रमोट होगे डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपकी सीनियरिटी के ऊपर और आप कितने जल्दी इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हो इस चीज के ऊपर। उसके अलावा फ्रेंड्स आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका प्रमोशन यूआर कैटेगरी की बजाय थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में कि डिपार्टमेंटल एग्जाम इस डिपार्टमेंट में होती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स जब आपकी एएसओ की ग्रेड में हो जाती है कंटिन्यू सर्विस की यानी रेगुलर सर्विस की 5 साल कंप्लीट हो जाती है
उसके बाद में फ्रेंड्स आप एलिजिबल हो जाते हो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए, और इस डिपार्टमेंटल एग्जाम को आप पास कर लेते हैं तो आप सीधे बन जाते हैं एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर 5 साल में, जो कि आपको रेगुलर प्रमोशन मिलेगा 9 से 10 साल में। उसके बाद में जो प्रमोशन होंगे फ्रेंड्स वो वैसे ही होंगे जो जो मैंने पहले बताया था, यानी कि फ्रेंड्स वो रेगुलर प्रमोशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट में कुछ फैसिलिटीज के बारे में, ये डिपार्टमेंट आपको अलग क्या क्या फैसिलिटीज देता है। तो फ्रेंड्स रेलवे डिपार्टमेंट है और रेलवे की रेल पूरे इंडिया में चलती है, तो डेफिनेटली आपको एक पास मिलेगा जिससे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी विजिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो कई सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि फ्रेंड्स आपको ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि मैंने अभी बोला ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी फ्री में विजिट कर सकते हैं, कहीं भी फ्री में आप घूम सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जो आपको पास दिया जाता है वो आपका जो ऑफिस होता है और आपका जो होम टाउन होता है उस वाले रूट का पास दिया जाता है। लाइक अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है और अगर आपका होम टाउन अलवर में है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये करवा सकते हैं कि जो आपका पास है दिल्ली से लेके जो अलवर वाला रूट है जैसलमेर तक, इस लाइन का आप पास ले सकते हैं। आपको जो पास मिलता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए फ्री पास मिलेगा, पहली बात। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमेशा फ्री करने के लिए पासेस नहीं मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी विजिट करने के लिए हमेशा के लिए फ्री पास देती है। शुरू के 5 साल तक जो आपको फुल पास मिलता है, मतलब जिसमें आपको बस रिजर्वेशन करवाना है और सीधा चले जाना है, आपका एक भी रुपए नहीं लगेगा, वो 1 साल में एक फ्री पास मिलता है। उसके अलावा फ्रेंड्स 3 पास आपको ऐसे ही मिलते हैं जिसमें आपका 1/3 किराया लगता है, यानी कि गवर्नमेंट आपको हर क्वार्टर में एक पास देती है जिनमें से पहला पास या फिर कोई भी एक पास है वो फ्री है। उसके अलावा बाकी के जो 3 क्वार्टर है उसमें आपको 1/3 पे करना होगा। बट फ्रेंड्स आपको पता होगा ऑनफील्ड होता ही है कि कोई भी किसी भी ट्रेन में जा सकता है स्टाफ का बोल के और वो फ्री ट्रेवल कर सकते हैं जनरली, ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। बट ऑफिशियली फ्रेंड्स जो चीज है वो ये है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए पास नहीं मिलता है, आपको आपके होम टाउन विजिट करने के लिए पास मिलता है और वो भी फ्रेंड्स 1 फुल पास मिलता है, उसके अलावा 3 1/3 में आप जा सकते हैं। और रही फ्री जाने की बात, वो तो फ्रेंड्स हम भी जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड जो चीज है जिसके बारे में हाइप बना रखी है कुछ यूट्यूबर्स ने, वो है फ्रेंड्स रेलवे के क्वार्टर्स। कि आपको जो रेलवे के अकोमोडेशन है बहुत ह्यूज, मतलब बड़े बड़े रेलवे के क्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जितने घटिया क्वार्टर रेलवे के हैं उतने घटिया क्वार्टर किसी भी डिपार्टमेंट के नहीं है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन के थोड़े से साइड में जाके देखना, थोड़े से आगे जाके देखना, जो छोटे छोटे झुग्गी टाइप के या फिर छोटे छोटे जो घर बने होते हैं वो होते हैं रेलवे के क्वार्टर्स। बट फ्रेंड्स एएसओ की कंडीशन में ये नहीं है। एएसओ की पोस्टिंग जनरली दिल्ली में होती है और दिल्ली में फ्रेंड्स रेलवे के अलग क्वार्टर्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है मतलब वो क्वार्टर्स काफी अच्छे हैं। खासकर जो अभी नए क्वार्टर बन रहे हैं वो हर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो काफी बेहतरीन बन रहे हैं सारी फैसिलिटीज के साथ में। तीसरी जो चीज है फ्रेंड्स जिसके बारे में यूट्यूबर्स ने काफी ज्यादा हाइप बना रखी है वो है रेलवे होलीडे होम। कि जब भी आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको बहुत सस्ते में अकोमोडेशन मिल जाएगा, 100-150 रुपए में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा और बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप गूगल पे एक चीज सर्च करके देखना सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हॉलीडे होम है जहां पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी इवन की एसी रूम प्लस खाना मिल जाता है 150-200 रुपए में एक नाइट के लिए। तो फ्रेंड्स बात यह है कि भारत सरकार ने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारी जगह पे हॉलीडे होम्स बना रखे हैं जहाँ पे अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको बहुत किफायती दामों में हॉलीडे होम आप बुक करा सकते हैं। आपको जाने से पहले वो बुक कराने होते हैं, प्रीयर बुकिंग के बाद में आप वहां पे जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं बहुत रिजनेबल प्राइस में। तो ये चीज बोलना गलत है कि रेलवे में आपको हॉलीडे होम की फैसिलिटी मिलेगी, आप उनको ये बताना चाहिए कि फ्रेंड्स अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो भारत सरकार आपको एक सुविधा मुहैया करवाती है कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन बहुत सस्ती रेट में बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। आप ये हाइप मत बनाओ कि सिर्फ रेलवे में हॉलीडे होम है, आप सर्च करके देख लो फ्रेंड्स गूगल पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हॉलीडे होम अवेलेबल है। मैं भी गया था, मैंने भी बुक करवाया था, चंडीगढ़ में 150 रुपए लगे थे और बहुत अच्छा एसी वाला रूम मेरे को मिला था वहां पे विद ब्रेकफास्ट। चलिए चौथे पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में यूट्यूबर्स ने हाइप बना रखी है कि अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक हैंडसम बोनस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको दशहरा के आसपास एक बोनस देती है सरकार जो कि रेलवे में 18,000 मिलता है, मतलब एक साल का
18,000 मिलता है, बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको वो 7,000 मिलता है। तो फ्रेंड्स इस चीज को हम यहाँ पे कंपेयर करें तो बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले आपको काफी ज्यादा बोनस देखने को मिलेगा। बट मामले की तह तक तो जाने दो पहले। फ्रेंड्स जो बोनस दिया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में वो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को दिया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स जब आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे एज एन ASO तो आपको बोनस मिलेगा, बट जैसे ही आपका अगला प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर में उस टाइम से आपको बोनस नहीं देखने को मिलेगा। जो बोनस है किसी भी डिपार्टमेंट के नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को दिया जाता है, तो बोनस को देख के आप डिपार्टमेंट डिसाइड मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्रेंड्स सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। जैसे ही आप प्रमोट हो जाएंगे आपको बोनस नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स ये एक चीज है, एक प्लस पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि आपको इस डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स जब आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं ग्रेड पे 4600 के साथ में तो आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी फ्रेंड्स 44,900 और 17% DA जो कि अभी करंट में है, यानी कि जून 2020 में 17% DA अभी चल रहा है, उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी 70,000 के आसपास और आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 60,000 के आसपास। उसके अलावा फ्रेंड्स आप बोनस को इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब 18,000 बोनस मिलता है तो आपको 1.5K पर मंथ का बोनस मिल जाता है इस डिपार्टमेंट में। फ्री आपको ट्रेवलिंग मिलती है फ्रेंड्स, AC टायर 2 के लिए आप कंपेटेबल होते हैं फ्री में ट्रेवल करने के लिए। तो ये कुछ फैसिलिटी है फ्रेंड्स जो आपको रेलवे डिपार्टमेंट देता है। हर डिपार्टमेंट के साथ में कुछ फैसिलिटी, कुछ प्रोज और कॉन्स जुड़े होते हैं, बट रेलवे इन ASO डेफिनेटली इज ए वेरी गुड जॉब जहाँ पे आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपकी सोशल लाइफ है वो मेंटेन रहेगी, 5 डे का ऑफिस मिलेगा। उसके साथ में फ्रेंड्स जब भी आपके या आपकी फैमिली को कहीं भी ट्रेवल करना होगा डेफिनेटली दे कैन ट्रेवल विदाउट एनी चार्जेस। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और फ्रेंड्स मैं वापस से बोलना चाहूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सब चीज़ें देख के फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट खोद के लाने की कोशिश करता हूँ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रोकर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।